दोस्तों, घर और परिवार चलाने के लिए आम आदमी को पैसे की जरूरत होती है और पैसा कमाने के लिए दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करें, प्राइवेट सर्विस करें या कोई और छोटा मोटा बिजनेस करें। हर आदमी के जीवन में इस पैसे की बहुत अहमियत है और जहां पैसा कमाना होता है उसके लिए आदमी को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। आपने देखा होगा, बिहार के लोग राजस्थान में सर्विस करते हैं, राजस्थान के लोग बिहार में जाते हैं, बंगाल के लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और आसाम के लोग इधर तिरुपति के आसपास में काम करते हैं। क्यों है ऐसा? पैसे की अहमियत है, इसीलिए है। और घर चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। 15 से 20 हजार रुपये महीने की नौकरी करने के लिए 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर जाने की बजाय मैं कहना चाहूंगा, नौकरी के लिए परदेश क्यों जाएं? घर बैठे आप बिजनेस कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस करें, कैसे करें, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। पैसा हर आदमी की जरूरत है और नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप BA पास तक पढ़े लिखे हैं तो आप इन तीन बिजनेस में से कोई सा भी एक बिजनेस कर लीजिए। और नौकरी से ज्यादा गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जो आप 15 से 17 हजार रुपए प्राइवेट नौकरी में कमा रहे हैं उससे अच्छा पैसा आप घर बैठे अपने ही घर में अपने बाल बच्चों के साथ में रहते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने घर परिवार की सारी सार संभाल करते हुए इतना पैसा कमा सकते हैं। उस बिजनेस में से पहला बिजनेस मैं जो बता रहा हूं वो है कोचिंग का बिजनेस। घर में बैठ करके आप कोचिंग करा सकते हैं। यदि आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है तो ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश पर बहुत अच्छा कमांड है और तो आप आज के जमाने में हर बच्चा इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश के बारे में जानना चाहता है, इंग्लिश के बारे में पढ़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में आगे बहुत सी डिमांड रहेगी इस बिजनेस की और आप ये बिजनेस कर सकते हो। मान लीजिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो आप मैथ पढ़ा सकते हैं। आप मैथ में भी यदि आपको नहीं है तो संस्कृत पढ़ा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स की डिमांड रहती है और एक एक बच्चा जुड़ करके आपके पास 20 बच्चे हो जाएंगे पढ़ने वाले, तो ये बिजनेस आपका चल जाता है। अब बात आती है कि इसके लिए बच्चे कहाँ चाहेंगे। आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के हर घर में एक दो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। उनको आप एक बार 5 दिन के लिए फ्री में पढ़ाइए और जब उनके जच जाएगी बात तो आपके पास धीरे धीरे बच्चे आने लग जाएंगे। और यदि 15 से 20 बच्चे भी आपके पास जुड़ गए तो शुरुआत में आपका ये बिजनेस चलने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में ही आपके वो उस कमरे में जो आपके खाली पड़ा रहता है उस कमरे में आप ये कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। माताएं बहनें भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। यदि आप पढ़ी लिखी हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको कमांड है तो आप ये बिजनेस कर सकती हैं। घर में बैठे रहने के अलावा और कोई काम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप ये बिजनेस कर सकती हैं। शुरुआत में मैं मानता हूं अपने यहाँ कुछ ऐसा कल्चर है जहाँ माताओं बहनों को कोई भी बिजनेस करने नहीं दिया जाता है। मैं इस बात का सपोर्टर हूँ कि आप बिजनेस कीजिए। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जो माताएं बहनें आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें 100 100 200 200 रुपए के लिए भी घर के किसी पुरुष सदस्य के अधीन हाथ फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। इस ऐसी स्थिति में आपका पढ़ा लिखा होना और आपका इतना ज्यादा जानकार होना कोई मायने नहीं रखता है। और घर की परिस्थितियां कब विपरीत आ जाएं, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को, घर की परिस्थितियां कब विपरीत आ जाएं, घर का जो आपका पुरुष सदस्य कमा रहा है वो कब बीमार पड़ जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती हैं तो सडनली आपके एक शॉट सा लगता है और ऐसा लगता है अब क्या करें। यदि आप पहले से ही ये बिजनेस कर रही हैं तो आपको इस तरह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में आप घर को संभाल सकती हैं और अच्छा पैसा कमा करके अपने घर के परिवार के हर सदस्य को, बच्चों को पढ़ाई है और है
कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें अपन अवॉइड नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आ जाएं, तो वो खर्चे आप आराम से चला सकती हैं। इसलिए ये बिजनेस आप कर सकते हैं, घर का पुरुष सदस्य कर सकता है, लेडीज सदस्य कर सकता है। दूसरा बिजनेस मैं जो बता रहा हूँ वो बिजनेस भी चाहे महिला है चाहे पुरुष है, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या साधारण पढ़े लिखे हैं, तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। वो है LIC एजेंट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, LIC एक ऐसा पौधा है जिस बिजनेस में करने के लिए आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत जिसको कहते हैं वो एक बार करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी की पॉलिसी करनी है तो पॉलिसी करने के लिए आपको हो सकता है 10 बार जाना पड़े, हो सकता है 15 बार जाना पड़े, हो सकता है बार बार उनके पास जाना पड़े, मगर पॉलिसी करने के बाद में वो पॉलिसी, जैसे मान लीजिए 20 साल के लिए बनी है, 20 लाख 20 साल के लिए वो पॉलिसी है, तो पहली पॉलिसी में आपको 15-25% 30% पैसा मिलता है। आपने जो आप उसकी किस्त आती है उस किस्त का 15-20% पैसा आपको मिलता है पहली में, और उसके बाद में दूसरी किस्त, तीसरी दूसरी किस्त में 7.5% मिलता है, तीसरी किस्त और आगे जो आने वाली 15-20 साल की जितनी भी किस्तें होंगी उनका 5% पैसा मिलता है। देखिए आप साल में 100 पॉलिसीज कर देते हैं तो कितना पैसा बन जाता है, और आपका घर परिवार आराम से चल सकता है। जिन लोगों ने 15-10 साल पहले पॉलिसी बनाने का या यूं कर सकते हैं LIC एजेंट का बिजनेस शुरू किया था, वो अच्छी रेवेन्यू जेनरेट कर रहे हैं। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं, इसमें महिला सदस्य भी आपका योगदान दे सकती हैं और आपका साथ दे सकती हैं। वो खुद आत्मनिर्भर होकर के स्वयं इसकी एक परीक्षा देनी होती है, वो आप परीक्षा आजकल ऑनलाइन लगती है, आप आराम से दे सकते हैं। यदि आप BA पास हैं, गांव से हैं, तो इसके लिए शिक्षा थोड़ी कम है, और शहर से हैं तो शायद BA पास है, वो थोड़ा सा आप पता कर लीजिएगा, LIC ऑफिस में पता कर लीजिएगा। और LIC ऑफिस में आप डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, यदि आपकी अच्छी पढ़ाई की हुई है, जो शिक्षा मांगते हैं वो शिक्षा प्रॉपर आपने की है, तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर बनकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक सर्विस भी हो जाएगी आपकी, और इस तरह आप ये एक एजेंट भी बन जाएंगे। एजेंट भी डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, यदि आप पास हो गए तो पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। जितने एजेंट कमाते हैं उनका कमीशन भी उनको डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलता बताया गया है, शायद कितना मिलता है ये मुझे पता नहीं है, आप थोड़ा पता कर लें। इसके अलावा तीसरा मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ वो भी बिजनेस बहुत ही शानदार है। यदि आप गांव में रहने वाले हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, शहर से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, आप केवल मैट्रिकुलेट हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और यदि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ, इस बिजनेस की एक खासियत और है कि आप शहर के किसी व्यस्त जगह में दुकान खोल करके ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप और अन्य सदस्यों का सहयोग लेकर के या अपने कर्मचारियों को सर्विस में रख करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और खुद अकेले एकल आदमी भी ये बिजनेस कर सकता है। महिला और पुरुष दोनों इस बिजनेस में शामिल हो सकते हैं या अकेले कर सकते हैं, और वो बिजनेस है पोस्ट ऑफिस सेविंग एजेंट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में भी आपको 2-3% कमीशन मिलता है, और कुछ अंशों में या कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें कुछ कम मिल सकता है, किसी में कुछ ज्यादा मिल सकता है, मगर आपका घर खर्चा आराम से चल जाता है। 25,000-30,000 रुपये महीना आप पहली साल में भी यदि अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे आपके लोगों के साथ लाइजन है, बहुत से अच्छे धनवान लोगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, या सर्विस क्लास लोगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आप यदि लेबर क्लास लोगों के साथ में भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी RD खोल करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिन लोगों ने इस बिजनेस को आज से 10 साल पहले किया था वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और अपना पूरा परिवार इसी बिजनेस में लगा हुआ है। पिताजी यही बिजनेस करते थे, दादाजी यही बिजनेस करते थे, पोते यही बिजनेस करते हैं, तो क्यों नहीं आप भी ये बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या यूं कह सकता हूं नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले घर बैठे आपको मिलता रहे।
नमस्कार।